हेलो दोस्तों, तो स्वागत है एक बार वापस से सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में गुरुनीति जेई 5 की बात की थी, तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए गुरुनीति 6। जैसा आप सभी जानते हो, माई सेल्फ आरसी देहीवाल और मेरे साथ हैं नदीम सर। हेलो सर। तो स्टार्ट करते हैं बात बिना कोई किसी टाइम बर्बाद किए हुए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रैंक द एराइल हैलाइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स CH3OH इन CH3OH। मतलब यहां जो क्वेश्चंस है वो हमें बात कर रहा है एराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी की। हमें यहां बोला है एराइल हैलाइड और सब पे हैलाइड लगा हुआ है, तो एराइल हैलाइड हो गया। एराइल हैलाइड एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और कई बार दिमाग में ये आता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली ये नहीं देते हैं, बट कुछ कंडीशंस को अगर ये फॉलो करें तो ये रिएक्शन दे देते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि एक्चुअली में है क्या कंसेप्ट, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो, एराइल हैलाइड, आप पहले कंसेप्ट को समझें, और यहां हैलाइड लगा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, तो इजी वे में रिएक्शन नहीं हो पाती है। जब सिंपल हैलाइड दिया हुआ तो नहीं हो पाती है। उसका रीजन भी हमें पता है, क्योंकि हैलोजन के लोन पेयर इस रिंग के साथ डीलोकलाइज हो रहे हैं, कार्बन हैलोजन बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहे हैं, बॉन्ड क्लीवेज इजी वे में नहीं होता है। तो पहली बात तो ये एराइल हैलाइड, इसको देख लेते हैं, एराइल हैलाइड गिव AR SN2, मतलब SN2 टाइप रिएक्शन होगी, बट किस सिस्टम पे होगी, एरोमेटिक सिस्टम पे होगी। SN2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब जब ये अटैक करता है तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है, तो यहां ये इसकी RDS और स्लो होती है, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। अब मैं ये कह रहा हूं कि यहां इस कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ये अटैक उतना ही इजी वे में हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करें तो यहां न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता है। इस कार्बन को हम बोलते हैं इप्सो कार्बन, दिस इज कॉल्ड इप्सो पोजीशन, ये भी मैं बता देता हूं। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहां जल्दी से जल्दी अटैक कब करेगा, तो इसके लिविंग ग्रुप पे डिपेंड नहीं करेगा, पहली बात तो ये, क्योंकि RDS ये है। यहां जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा ये न्यूक्लियोफाइल उतनी ही जल्दी इस कार्बन पे अटैक करेगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो यहां पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रोफिलिसिटी नेचर, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में तो मैं बोलूं एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन दिस कार्बन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं पहले तो ये देखो एक बार तो मैंने लिया फ्लोरीन, एक बार लिया मैंने क्लोरीन, एक बार लिया मैंने ब्रोमीन, एक बार लिया मैंने आयोडीन, तो किस केस में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, फ्लोरीन के केस में सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान रखना। दूसरा, अगर मैं इस रिंग पे यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं और वो इस हैलोजन के ऑर्थो पैरा पोजीशन पे होने चाहिए, अगर वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है तो यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। तो यहां रिएक्टिविटी ऑर्डर जनरली जो आता है ना, वो हैलोजन सबसे पहले जिसपे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो, और उसके बाद एक सिंपल वाला, और सबसे कम रिएक्टिव जो होता है वो होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओ। जैसा आप जानते हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब है +R+H+I, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब है -R -H -I। अब आप एक चीज और देखें, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस हेलोजन के किस पोर्शन पे होना चाहिए, और तो पैरा पोर्शन पे होना चाहिए। तो यहां पे यदि हेलोजन लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यहां लगा हुआ है, तो इसके कारण पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। अगर इस पैरा पोर्शन पे है तो भी ये यहां पे पॉजिटिव चार्ज लेके आएगा, और मैं बोल रहा हूं पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। ये तो है इस रिएक्शन का कंसेप्ट, ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं, इस कंसेप्ट को। कंसेप्ट मैंने पूरा बता दिया है, ArSn2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर बता दिया है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर Br, क्योंकि इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हमें चेक करना है। देखते हैं क्वेश्चन को और लगाते हैं कंसेप्ट को। तो देखिए भैया, यहां पे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है, तो फ्लोरीन इसका यहां पे -I लगेगा, इसका -R लगेगा, इसका -I लगेगा, यहां दोनों ही जगह क्या लगेगा, -I। हमें इस कार्बन पे देखना है, यहां पे इस पे भी -R लगेगा, इस पे भी -R लगेगा,
और यहां केवल माइनस आई, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव तो ये हो गया, तो ये ऑर्डर तो सही नहीं है, क्योंकि दो का माइनस आर का मतलब टू टाइम्स पॉजिटिव चार्ज। ऐसे हम इसको एज्यूम करके सोल्व कर सकते हैं, एक ऑर्थो वाले के कारण और एक इस पेरा वाले के कारण, तो ये तो सही नहीं है क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये सबसे लास्ट में होना चाहिए, गलत हो गया। इसकी बात करते हैं तो यहां माइनस आई इसका माइनस आर, इसका माइनस आर, तो ये अभी लास्ट में आना चाहिए, ये ज्यादा रिएक्टिव है तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए माइनस आर यहां लगा, माइनस आर लगा, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज आया, इसके कारण पॉजिटिव चार्ज आया, इसमें इसके कारण तो ये वाला पॉजिटिव आया, इसके कारण यहां ये वाला पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहां बढ़ी ना, यहां दोनों पे ही ये वाला पॉजिटिव चार्ज आया और यहां पे केवल ये वाला आया, तो ये वाला सही है क्योंकि इधर से इधर जा रहा हूं तो इप्सो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है, न्यूक्लियोफाइल कूद के आएगा, तो ये वाला सही है, थर्ड इज करेक्ट आंसर। ARSN2 का कंसेप्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा ये मैं बता दूं, क्योंकि यहां न्यूक्लियोफाइल है CH3O तो ये OCH3 एनसीईआरटी की रिएक्शन है, तो थोड़ा फोकस करें, क्वेश्चन यहां से आते हैं। ओके नेक्स्ट, एक मिनट जी सर, ये एक पॉइंट इसमें ये आप फाइनली आप सुन लो कि जब भी कभी ARSN2 आपसे पूछे तो सबसे पहले आप ना हैलोजन मत देख लेना, सबसे पहले आप देखना कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे है कि नहीं है, कि नहीं सबसे पहले ऑर्थो पैरा पे है। अगर मान लो जैसा ऐसे मान लो गया, जैसे एक थोड़ा सा बस इसमें इसे मान लो कि यहां पे NO2 है और F है, और मान लेते हैं यहां पर Cl है और NO2 है, अब तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पर ये भी है, इसके रिस्पेक्ट में भी ऑर्थो पर है, अब आप फिर आ जाना हैलोजन, हैलोजन पे फ्लोरीन, क्योंकि अब यहां पॉजिटिव चार्ज देखोगे ना आप, हाँ। तो इस फ्लोरीन का माइनस यहां ज्यादा लग रहा है, क्लोरीन का कम लग रहा है, तो फर्स्ट ज्यादा रिएक्टिव है। इसमें हम ऐसे कर सकते हैं कि ये वाला लू में यहां NO2 लगाया मैंने, यहां क्लोरीन लगाया और यहां फ्लोरीन लगाया, अब बाहर कौन होगा, इस NO2 का माइनस आर यहां पॉजिटिव चार्ज यहां आ रहा है, हाँ। इसका माइनस लग रहा है तो यहां ये वाला आ रहा है, हाँ। तो आप देख लो पॉजिटिव यहां आया तो अब Cl बाहर निकलेगा, सर ये कहना चाह रहे हैं पहले ए नहीं, पहले फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन नहीं, पहले ऑर्थो पैरा पर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जिस हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लगा हुआ पहले हो जाएगा कॉमन हुआ फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है सर, ठीक है। तो ये था ARSN2 का कांसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, ये भी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसको हम बोलते हैं, ये वाला इसका स्ट्रक्चर होता है और ये जो सॉल्वेंट है वो होता है PAPS पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता है किसको, SN2 को फेवर करता है, तो यहां SN2 रिएक्शन होगी। अब देखो ये ARSN2 ही होगी, ये न्यूक्लियोफाइल है, अब पीछे वाले केस में CH3O- न्यूक्लियोफाइल था, यहां ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पे अटैक करेगा और इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा, यहां पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, इसका माइनस आर लगा तो प्लस, इसका माइनस आर लगा तो प्लस, सफिशिएंटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो ये इस पे अटैक कर जाएगा, तो यहां पे आंसर जो आने वाला है वो ये आने वाला है, ये NO2 एजिट रह गया, ये NO2 एजिट रह गया, यहां अटैक कर गया NH पॉजिटिव और ये वाला नाइट्रोजन चोरी रिंग में है, ये वाला आंसर आ रहा है। अब यहां से H+ क्या हो जाएगा, बाहर निकल सकता है, तो ऑप्शन देखें तो इसकी तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ये तो नहीं आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी देखें तो हेलोजन अब भी लगा हुआ है नहीं आएगा, इसमें भी हेलोजन लगा हुआ है नहीं आएगा, इसमें भी हेलोजन लगा हुआ नहीं आएगा, क्योंकि हेलोजन तो बाहर हुआ ना, तो आंसर आएगा ये वाला, H+ नहीं निकला हुआ है, X- सॉल्ट फॉर्म में आपको दिया हुआ है, तो आंसर जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप जेई के बच्चे हो तो ऐसे क्वेश्चंस पे आप ज्यादा प्रैक्टिस करें। अब यहां एक सिंपल सा कांसेप्ट है, किसी भी कंपाउंड में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है कि क्या एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अब सुनना, ये इपोक्साइड रिंग है और यहां नेगेटिव चार्ज है और यहां पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है और ये रिंग तड़पती है क्योंकि इसमें स्ट्रेन होता है, ये रिंग ओपन होने के लिए तड़पती है, मतलब हाईली रिएक्टिव रिंग होती है, तो यहां जब न्यूक्लियोफाइल आप इस पे अटैक करवाओ तो आप चाहे इस पे करवा दो चाहे इस पे करवा दो क्योंकि बोथ साइड सेम है, बट अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए ये सब्स्टिट्यूटेड है तो पॉजिटिव चार्ज तो यहां भी है और यहां भी है, तो इसका मतलब जब न्यूक्लियोफाइल यहां से रिएक्शन दो वे में जा सकती है, न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करे तो वो लेस हिंडर्ड साइड कर सकता है, मोर हिंडर्ड साइड कर सकता है, मोर हिंडर्ड का मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, क्योंकि ये जब इधर से इधर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो वो CH3 के प्लस H से स्टेबल होगा, तो यहां से इधर तो कब होगी, ये रिएक्शन तो होती है इन एसिडिक मीडियम,
एसिडिक मीडियम में तो ये वाली रिएक्शन होगी, मतलब एक सीधा सा की पॉइंट पकड़ लो, एसिडिक मीडियम में मोर हिंडर्ड साइड से रिंग ओपन होगी, और इधर से कब होगी, इन बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में लेस हिंडर्ड से रिंग ओपनिंग होगी। अब आप ये सोच रहे हो कि एसिडिक मीडियम में मोर हिंडर्ड से क्यों हुई, वो इसका रीजन है। जैसे एसिडिक मीडियम दिया H+ दिया मैंने, तो सबसे पहले H+ ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा ना, तो अटैक करेगा तो ये OH+ और ये, अब ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करेगा तो फ्री कार्बोकैटायन यहां जनरेट होगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा। तो एक सीधा सा की पॉइंट पकड़ के रखें, एसिडिक मीडियम में मोर हिंडर्ड साइड से रिंग ओपन होगी और बेसिक मीडियम में लेस हिंडर्ड साइड से रिंग ओपन होगी, इधर से SN2 टाइप रिएक्शन होगी, इधर से SN1 टाइप रिएक्शन होगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं, देखें साफ करना सर, सबसे पहले KH दिया हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव, H माइनस क्या है, बेस, अगर एसिड बेस की पॉसिबिलिटी है तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, SH ये एसिडिक हाइड्रोजन बाहर, कौन उठा लेगा ये H माइनस उठा लेगा, H2 के रूप में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब जो कंपाउंड बना ना आपके पास, उसको आप देखें, ये वाला कंपाउंड दे रखा आपको ऑक्सीजन, इस पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर आपके पास क्या लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर सल्फर को मिला है, तो 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये S माइनस K प्लस। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, अब ये इस पे अटैक करे या इस पे अटैक करे, तो जैसा मैंने अभी बोला था बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो लेस हिंडर्ड साइड से रिंग ओपनिंग होगी, इधर हिंडर्ड ज्यादा है इधर हिंडर्ड कम है, तो ये इस पे अटैक करेगा और ये यहां से यहां आ जाएगा, तो क्या बना, उधर तो बन गया ओ माइनस, ठीक है, और इधर आपके पास ये कार्बन 1, 6 मेंबर, 2, 3, 4, 5, 6 सल्फर को इंक्लूड करते हुए कितने मेंबर बन गए, 6 मेंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और O माइनस पे ये H2 क्या दे देगा, H दे देगा और ये वाला फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसा प्रोडक्ट अगर आप देखने जाओगे तो ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा इसमें, ये रहा, ठीक है, तो यहां पे एक कार्बन, सॉरी ये अपने यहां कार्बन, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, तो आप रिंग ओपनिंग कर लेंगे, यहां से आने के बाद ये इस पे ओ जुड़ा हुआ, ये बॉन्ड टूट गया है, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, समझ में आ गया। साथ में मुझे इस रिएक्शन में आपको एक कंसेप्ट सिखाना था, वो था इपोक्साइड रिंग की ओपनिंग, और इंट्रामोलिकुलर प्रीफर हुई है, बाहर से H2 आएगा उससे पहले तो अंदर वाला S- अटैक कर जाएगा, वैसे भी देखे तो S- स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। एक लाइन और समझ ले, जो बड़ा है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, जिसका साइज बड़ा है वो बेटर न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये बड़ा बेटर न्यूक्लियोफाइल S- है। इंट्रामोलिकुलर SN2 टाइप रिएक्शन हुई है, रिंग ओपनिंग हुई है लेस हिंडर्ड साइड से, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, पूछा है पी एंड क्यू हुड बी, तो देखो फंक्शन ऑफ एनबीएस, ये आप इसको ध्यान रखिए, फंक्शन ऑफ एनबीएस, एनबीएस क्या करता है, तो ब्रोमिनेशन एट एलाइलिक पोजिशन एंड बेंजाइलिक, ये ब्रोमिनेशन करता है एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजिशन पे वाया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, तो यहां एलाइलिक पोजिशन बोलते हैं डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पे यहां हाइड्रोजन है, दिस इज एलाइलिक, बेंजाइलिक बोलते हैं बेंजीन रिंग के पास बाहर वाला कार्बन है, ये वाला है बेंजाइलिक, तो यहां ये एनबीएस डाल दो तो ये क्या करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से ब्रोमिनेशन करता है, एक तो ये फंक्शन है, और एक विथ 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल ऑक्सीडाइजिंग, एनबीएस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, 1 डिग्री एल्कोहल से बनाता है एल्डिहाइड और 2 डिग्री एल्कोहल से बनाता है कीटोन। ये क्यों करता है, क्योंकि एनबीएस जो है ना एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड, उसमें Br2 के ट्रेसेस होते हैं, Br2 के ट्रेसेस होते हैं, और Br2 खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हैलोजन एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकता है। स्टार्ट करते हैं ना हेलोकोम रिएक्शन में, सबसे पहले हेलोजन से हम ऑक्सीडाइज ही करवाते हैं, तो यहां OH एल्कोहल के साथ एनबीएस किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ये ध्यान रखें, क्योंकि एनबीएस में बच्चे के दिमाग में एक ही चीज रहती है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ना, अभी एल्कोहल के साथ ये क्या करेगा ऑक्सीडाइजिंग, तो 2 डिग्री एल्कोहल है इसका कीटोन में, 1 डिग्री एल्कोहल है इसका एल्डिहाइड में, ऐसा ऑप्शन आप चेक करने जाओगे तो ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा, थर्ड इज करेक्ट आंसर। तो इसमें हमने आपको क्या बताया, इसमें एनबीएस का फंक्शन बताया, एलाइलिक बेंजाइलिक पोर्शन पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करता है, अच्छा एक इस पे भी करता है, ये ब्रिज हेड पोर्शन पे भी कर देता है, यहां पे भी ये कर देता है ब्रोमिनेशन,
ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपसे एंड प्रोडक्ट देके इनिशियल प्रोडक्ट पूछा है, तो Cl2AlCl3 ये तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl क्लीमेंशन रिडक्शन, इधर नाइट्रेशन हो जाएगा, क्या करता है CO को हाइड्रोकार्बन CH2 में क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, सब जानते हो, ये मिक्स्ड एसिड, ये बोलते हैं HNO3 प्लस H2SO4, इसको बोलते हैं मिक्स्ड एसिड, ये क्या करता है नाइट्रेशन NO2 प्लस, और ये फिर AR SN2, इस वजह से आपको लगाना है। तो एक एक चीज देखें, तो देखो HCl लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है, OMe लगा हुआ है, और ये ग्रुप भी लगा हुआ है, तो फर्स्ट में तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कार्बन जो है ना, ये वाले दो कार्बन, ये कहां से लेके आऊंगा मैं, क्योंकि कार्बन तो है नहीं यहां, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब इसकी बात करता हूं Cl की, तो यहां पे ये ऑर्थोपेरा डायरेक्टिव है, ये वाला मेटा डायरेक्टिव है, तो ऑर्थोपेरा की चलेगी, तो इसकी पेरा पोर्शन ये वाली है, यहां Cl आ सकता है फर्स्ट कंडीशन में। उसके बाद जिंक अमलगम कंसंट्रेट HCl, तो इसका रिडक्शन हो गया, बिल्कुल तो ये बन सकता है Cl CH2 CH3, ओके सर, बिल्कुल। उसके बाद मिक्स्ड एसिड मतलब नाइट्रेशन करवाना है, तो नाइट्रेशन कराना, तो ऑर्थोपेरा इसकी ये बात करूं, तो इसकी ऑर्थोपेरा पोर्शन की बात करूं, तो ये वाली, ये देखो Cl इस ऑर्थोपेरा, ये भी ऑर्थोपेरा, तो यहां पॉसिबिलिटी है, बल्कि थोड़ी बढ़ रही है, बट यहां स्टेरिक इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बट पोजीशन वही डिसाइड होगी, तो ये वाला NO2 यहां आ सकता है। अब इस NO2 के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा, तो NO2 का माइनस R इस पे लग रहा है, तो ये OMe यहां से जा सकता है, बट ये तो लगातार आगे गया, ये तो हो नहीं रहा है, आगे देखते हैं, आगे इसको चेक करते हैं, ठीक है, मैं फोर्थ ऑप्शन को चेक करता हूं, आप चेक कर लेना, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कहां क्या होगा। फोर्थ ऑप्शन आपके पास क्या दे रखा है, ये वाला दिया हुआ है Cl CO CH3, और ये Cl2AlCl3, ये वाला गया, Cl जाएगा और तो डायरेक्टिव, तो वो मेटा डायरेक्टिव, ये और तो इसकी मेटा, इसकी और तो ये वाला बन जाएगा, ये वाला, ये बात। उसके बाद नाइट्रेशन दिया हुआ है मिक्स्ड एसिड, तो NO2 प्लस, पहले जिंक मर्करी है, पहले इससे पहले ये दो नंबर पे दिया हुआ है, एक पर दिया हुआ है जिंक HG और HCl, तो ये CO किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पहले तो बनेगा ये वाला, ये वाला, अब उसके बाद नाइट्रेशन NO2 प्लस जाएगा, तो वो कहां जाएगा, ऑर्थो पेरा डायरेक्टिव, इसका ऑर्थो, इसका ऑर्थो, इसका पेरा, यहां चला जाएगा, और ये वाला यही जगह है अपने पास, ये Cl, ये Cl और ये NO2। अब देखो, अब आपको दिया है CH3O-Na+, अब ये Cl जाएगा या ये Cl जाएगा, वो डिसाइड हम, मैंने अभी आपको AR SN2 का कंसेप्ट बताया था, कि इस NO2 के कारण यहां पॉजिटिव आ रहा है माइनस R, और यहां पे ये वाला आ रहा है, अब पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी यहां है ना, क्योंकि यहां माइनस R लग रहा है, तो ये इस पे अटैक करके इसको बाहर कर देगा, तो आंसर जाएगा, वो जाएगा फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एक पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, कंपाउंड ई क्या है, ये सब पूछा है आपसे, और एक सिंपल सा क्वेश्चन है ये वाला भी, तो यहां बात करें, तो सबसे पहले फ्रेडल क्राफ्ट FCR फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, AlCl3Cl को हटा लेगा, यहां एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबल है, ये एसाइलियम आयन टाइप का बन जाएगा, और ये इस पे क्या कर देगा अटैक, ये रिएक्शन हो गई AR SN2, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ए जो प्रोडक्ट बना रहा वो क्या बना, वो बना C डबल बॉन्ड O, और उधर आपके पास CH2 CH3, फिर PCl5 जेमिनल डाइहैलाइड बनाते हैं ना, जेम डाइहैलाइड बनाएगा, POCl3 बाहर हो जाएगा, और ये स्टेप पता होना चाहिए, बिल्कुल, PCl5 OH की जगह भी Cl सप्लाई करता है, एल्कोल OH ग्रुप है उसकी जगह Cl सप्लाई करता है, कार्बोनिल की जगह जेम डाइहैलाइड बनाता है, ईथर के साथ विसनल डाइहैलाइड बनाता है, ठीक है, एमाइड के साथ साइनाइड बनाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर जाता है,
तो यहां ये बन जाएगा सी, ये सी एल, ये सी एल, ये सी एच, ये एच और ये सी एस, ये वाला कंपाउंड बन गया। अब आपको हमें पता है कि NaNH2 दिया हुआ है, दो मोल NaNH2, तो ये क्या करता है? HX बाहर, एलिमिनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। देखो ऑर्गेनिक एक्चुअली में है क्या, आपको अगर रिएजेंट का पता है ना कि कौन सा रिएजेंट क्या काम करता है, तो 40% ऑर्गेनिक तो वैसे ही कंप्लीट हो जाती है। तो NaNH2 डीहाइड्रोहैलोजिनेशन दो टू टाइम्स करेगा, ये HCl बाहर गया, ये HCl बाहर गया, एल्काइन बन गया, एल्काइन बन गया, ये सी ट्रिपल बॉन्ड सी और ये सी एच थ्री, ये वाला बन गया, ये एच टू एन आई टू बी पी टू कैटलिस्ट इसको बोलते हैं, ब्राउन ब्राउन कैटलिस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये सिन एडिशन करता है, सिन एडिशन ऑफ एच टू, एच टू का सेम साइड, तो यहां एच टू का एडिशन होगा ना, तो पी एच, इसको पी एच फॉर्म में मैंने दिखा दिया है, थोड़ा सा आप देख लें, ये सी एच डबल बॉन्ड एच और ये सी एच सिस एल्किन बन गया है, ब्राउन कैटलिस्ट भी बोलते हैं इसको। तो ये आ गया आपका सी नाइन एच टेन। फिर बी आर टू सी सी एल फोर, बहुत ही बेहतरीन चीज है बी आर टू सी सी एल फोर। तो देखो ये तो है सिन, और इसका लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कौन सा एडिशन, एंटी, एक वर्ड बताया था सेट, सेट कर देना है ये वाला सिन पे एंटी, तो थ्री ओ पेरोप एनाइंचोमर, ये बोला था थ्री ओ पेरोप एनाइंचोमर। तो यहां पे मैं बना देता हूं पी एच, ये सी एच थ्री, ये बी आर, ये बी आर एच एच, और इसकी क्या बन जाएगी, मिरर इमेज। बट हमें यहां पे पूछा है प्रोडक्ट ई क्या बना है, ई देखो साइड में नीचे वो लेके चला गया, ब्रिज रिडक्शन टाइप हो गया। तो ई जो, ये तो सिन आ गया और ये क्या है, ब्रिज रिडक्शन, एंटी डायरेटिकल। और यहां कैसा एडिशन होता है, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन ऑफ एच टू, तो यहां ट्रांस बन जाएगी क्या, बिल्कुल। तो ई जो बनेगा ना, ई जो बनेगा ना, वो बन जाएगा पी एच सी एच डबल बॉन्ड ये एच और ये सी एच थ्री, फिर इसकी रिएक्शन करवाई बी आर टू सी सी एल फोर से, तो ये एंटी और ये भी एंटी, एंटी पे एंटी, तो या तो मीजो बनता है या इरिथ्रो बनता है, बट मीजो तभी बनता है जब सिमेट्रिकल एल्कीन हो, तो सिमेट्रिकल तो नहीं है, तो यहां इरिथ्रो पेरो पेनाइंचोमर बनेगा, ये वाला पी एच सी एच थ्री बी आर, इरिथ्रो बनाओ, सेम ग्रुप सेम साइड, इक्वल ग्रुप इक्वल साइड एच, और इसकी क्या बन जाएगी, मिरर इमेज। हमें पूछा है कंपाउंड ई, तो कंपाउंड ई क्या है अपना, ट्रांस, ट्रांस बन जाएगा इसमें। तो ट्रांस की बात करें तो ये रहा थर्ड, ठीक है, ठीक। आगे और है क्वेश्चन इसपे, आगे आगे चल दीजिए, ये लो कंपाउंड जी, जी तो क्या जी था? ये रहा जी का मतलब इरिथ्रो, इरिथ्रो, तो इरिथ्रो ये रहा फर्स्ट, फर्स्ट आ रहा है, बस फर्स्ट आ रहा है इरिथ्रो। आगे और दिया होगा कंपाउंड, चलो दो ही क्वेश्चन थे इस पे, मिटाओ एक बार। तो इसका तो आएगा ये इरिथ्रो पेरो पेनाइंसुमर, प्लस माइनस का मतलब पेरो पेनाइंसुमर, और पीछे वाले का हमसे पूछा था कंपाउंड एफ भी पूछा है, अच्छा एफ भी पूछा हुआ, एफ आया था अपना थ्री ओ पेरो पेनाइंसुमर, तो बीआर बीआर अपोजिट साइड होना चाहिए, सेकंड थ्री ओ फोर्थ, दोनों बोथ आर मिरर इमेज टू ईच अदर, तो फोर्थ, ठीक है। और कंपाउंड डी पूछा, तो डी हमने बोल दिया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, तीन चीजें हमने इसको आपको बताई, एडिशन, ब्रिज रिडक्शन, ब्राउन कैटलिस्ट, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्रिडल क्राफ्ट, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इवन सीबी रिएक्शन, इवन सीबी रिएक्शन क्या होती है, पहले तो देखो इवन का मतलब एलिमिनेशन है, ठीक है, और इस वन का मतलब यूनिमोलिकुलर है, तो पहली बात तो यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेटेड बेस एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये कॉन्जुगेटेड बेस बनता है, कब ऑपरेट होती है, बेड लिविंग ग्रुप हो, मतलब लिविंग ग्रुप बेड, बेड लिविंग ग्रुप का मतलब जैसे ओ आर है बेड लिविंग ग्रुप, फ्लोरीन है बेड लिविंग ग्रुप, ये बेड लिविंग ग्रुप होना इस कंडीशन में ये जाती है, बट इवन सीबी के लिए कंडीशन ये है कि कार्बेनाइन मस्ट बी स्टेबल, कार्बेनाइन मस्ट बी क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब देखो
पहले इसका कंसेप्ट हम सीख लेते हैं कि जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया पी एच सी एच टू सी एच टू और ये एट, ये वाला मैंने एग्जांपल लिया और इसकी रिएक्शन कराता हूं मैं ETOD और ETO- से। कंसेप्ट समझना, अल्फा बीटा इवन CB जाएगी बिकॉज यहां से H आप रिमूव करोगे ना तो क्या बनेगा PHCH- CH2F, दिस इज कॉन्जुकेटेड बेस ऑफ दिस, इसका कॉन्जुकेटेड बेस बन गया ये इस रिएक्शन का क्या है इंटरमीडिएट कार्बेनाइन। अब ये तभी होगी ना पॉसिबल रिएक्शन जब स्टेबल कार्बेनाइन बन रहा हो। क्या यहां स्टेबल बन रहा है? जी हाँ बन रहा है, क्योंकि ये क्या है रेजोनेंस स्टेबलाइज है ये, और अगर मैं इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो और अच्छी बात हो जाएगी, वो इससे भी पास दे देगा। अगर मैं ये लूं तो यहां मैंने मान लो NO2 लगाया और ये CH2 और ये HCH और ये CH2F, तो यहां और ज्यादा स्टेबल हो गया तो इससे भी ज्यादा फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। तो ये बना अगली स्टेप में नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे ETOD दिया हुआ है ना तो वो सब रिप्लेस भी हो सकता है, तो रिप्लेस भी हो सकता है, ये H रिप्लेस हो जाएगा किससे D से। चलो तो यहां पे ये ड्यूटेरियम भी एक्सचेंज हो सकता है अगर सॉल्वेंट पे ड्यूटेरियम है तो इस नेगेटिव पे सबसे पहले ये डी प्लस को यहां से उठा लेगा तो ये बनेगा पी एच सी एच डी और ये सी एच टू एफ। अब वापस से बेस आएगा फिर एच को हटाएगा, अब डी को हटाएगा या एच को हटाएगा, वीक बोन कौन सा है कार्बन हाइड्रोजन का बोन वीक है तो इस एच को हटाएगा और वापस से यहां नेगेटिव चार्ज आएगा पी एच सी माइनस और ये डी और ये सी एच टू एफ और उसके बाद इसको क्या कर देगा बाहर कर देगा। तो इसमें दो चीज चलता है, अगर सॉल्वेंट में ड्यूटेरियम प्रेजेंट है तो एच की जगह ड्यूटेरियम रिप्लेस हो जाएगा, जितने एच है बीटा हाइड्रोजन जितने हैं वो सब रिप्लेस हो जाएंगे किससे ड्यूटेरियम से रिप्लेस हो जाएंगे। तो अब हम क्वेश्चंस को लगाते हैं, देखो आप क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, हाँ बेटा दो कंफ्यूज ना हो, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। इट प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ कार्बेनाइन इंटरमीडिएट, तो बात सही है 100% सही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड पुअर लिंक ग्रुप, जिसको मैंने बोला बैड लिंक ग्रुप, फेवर द रीच ऑन, ठीक है अच्छी बात है फेवर करेगा। इट इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन विद सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक्स इसकी सेकंड ऑर्डर होती है प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होती है और ये रिएक्शन यूनिमोलिकुलर होती है जैसा मैंने बोला, नाम में क्लियर हो रहा है, ये भी सही है। आगे इसका देख लेना आप, वैसे तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर का तो पता कर लेते हैं, मैं इसमें बता दूं थोड़ा सा, यूनिमॉलिक्यूलर तो फिर भी पता लग जाएगा, सेकंड ऑर्डर आपको ना इस रिएक्शन में कैसे पता लगेगा, आपने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ा है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उसमें देखा होगा कि एक ऑर्डर निकालने का कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का हम लोग निकालते हैं जिसमें इक्विलिब्रियम दिया रहता है, तो फिर उसको सेट करते हैं रेट लॉ, पहले लिखते हैं स्लो स्टेप से फिर उसको रिप्लेस करते हैं तब जाके कहीं वो आंसर आता है। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स आ रहा है ना, आप डायरेक्ट रिएक्शन देख के नहीं लिख सकते, आपको क्या करना पड़ेगा पूरा डिराइव करना पड़ेगा उस मेथड से जो केमिकल काइनेटिक्स में है। तो सर लोगों जिन्होंने फिजिकल पढ़ाया होगा उन्होंने वो जरूर बताया होगा, चाहे तो आप वहां से उसको डिराइव करके सेकेंड ऑर्डर निकाल सकते। सही बात है, व्हेन डी इज इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टार्टिंग मटेरियल, यदि डी है स्टार्टिंग मटेरियल में बाय द सॉल्वेंट ETOD and the reaction is interpreted before completion, no D is found in the substrate or in the product। अरे product में तो D आया है, मैं बोल रहा हूँ अगर solvent में D है तो वो product में D आ जाएगा, H की जगह D replace हो जाएगा, all beta hydrogen replaced by deuterium, क्योंकि carbon ion के through reaction हुई है, carbon deuterium का strong bond बन जाएगा, carbon hydrogen का weak bond टूट जाएगा। तो ये statement क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ बोला है कि अभिक्रिया के पूर्ण होने से पहले डी नहीं पाया जाता है अभिक्रमक और उत्पाद, तो उत्पाद तो डी है तो हमने डी तो हो ही सकता है, ऐसी बात हो सकता है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गई। नेक्स्ट होपमैन एल्किन, थोड़ा सा इनको हम आइडिया दे देते हैं बच्चों को कि होपमैन और सेलचेप कैसे चेक करते हैं, तो पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो दो है, एक तो आप पढ़ते हो सेलचेप एल्किन और एक पढ़ते हो
होप माने ओके। यदि किसी रिएक्शन में कंसेप्चुअली आप रिएक्शन को कंसेप्चुअली करवाएं, यदि मोर देन वन टाइप एल्कीन बनती हो, ठीक है, इफ मोर देन वन टाइप एल्कीन फॉर्म्ड ड्यूरिंग एलिमिनेशन, ठीक है, एंड मेजर प्रोडक्ट नहीं सॉरी स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल एल्कीन उसको बोलेंगे सेजेप, और लेस स्टेबल एल्कीन तो हाफ मान बोलते हैं, को बोलते हैं हाफ मान। मेरी बात ध्यान से सुनना, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। आप कंसेप्चुअली रिएक्शन करवाएं, आंसर निकाल के ले आए, सही बात। आपको मेजर माइनर नहीं डिसाइड करना है, आपने मेजर बनाया था, मेजर बना लिया, माइनर बना लिया, अब जो उसमें से मोर देन वन मरीज जो स्टेबल है ना उसको सेजेप बोलना है, माइनर को आपको क्या बोलना है, हाफ मान बोलना है। यदि किसी रिएक्शन में ओनली वन टाइप एल्कीन बनती है, ओनली वन टाइप एल्कीन, तो उस एल्कीन को होफमान एल्कीन बोला जाएगा। इफ ओनली वन एल्कीन फॉर्म्ड, देन नॉन एज होफमान एल्कीन, तो उसको क्या बोलेंगे हम, होफमान, होफमान एल्कीन बोलेंगे। ध्यान रखना मेजर माइनर का यहां कोई कंसेप्ट नहीं है। आप मैं बताता हूं क्वेश्चन लगाता हूं और देखें, लगाओ सर साफ करो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पहले तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, 3 डिग्री एल्कीन को ये ऑक्सीडाइज करता है और ऑक्साइड लिंकेज जनरेट कर देता है, पर एसिड है और यहां पे बना देगा एन और ये एन ऑक्साइड। तो सबसे पहले ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा और यहां ये ऑक्साइड लिंकेज जनरेट हो जाएगा। इस रिएक्शन को एक पर्टिकुलर नाम से जानते हैं, कोप एलिमिनेशन। हीट किया, अब मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन आपको क्या करनी होती है, इसमें रिमूव करनी होती है, मोस्ट एसिडिक भाई फॉर मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन आपको रिमूव करनी पड़ती है। तो ये लिविंग ग्रुप आपका, ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा अल्फा अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, और मोस्ट एसिडिक, मोस्ट एसिडिक कौन सी है, ये वाली, ये 1 डिग्री है, हाँ बिल्कुल, और ये 3 डिग्री है, और एसिडिक ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो मोस्ट एसिडिक रिमूव करनी है, मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन रिमूव। सिन पेरिप्लेनर से रिएक्शन होती है, जितने भी पायरो एलिमिनेशन है, पायरोलाइसिस बोलते हैं क्योंकि हीट से केवल एलिमिनेशन हो जाएगा, ये तो केवल क्या कर रहा है, ऑक्साइड लिंकेज जनरेट कर रहा है, हीट से एलिमिनेशन हो रहा है, तो उस रिएक्शन को बोलते हैं पायरो एलिमिनेशन या पायरोलाइसिस। तो यहां एसिडिक ज्यादा ये है, यहां ये CH3 है, ये एच, ये यहां से यहां, और ये क्या हो जाएगा बाहर, तो क्या बना एम ई, ये एम ई, ये डबल बॉन्ड सॉरी एम ई और ये एम ई और ये CH2, ये एच, ये बना, अब लेस स्टेबल ही बना, ठीक है। दूसरा दूसरा प्रोडक्ट ये बनता अगर वो जाती तो एम ई डबल बॉन्ड और ये एम ई। अब दो प्रोडक्ट बने, पर मेजर कौन सा है, ये वाला, क्योंकि कंसेप्ट मैंने कंसेप्ट क्या बोला था कि मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन रिमूव करनी पड़ती है फॉर मेजर प्रोडक्ट, और ये वाला माइनर बना। अब दो प्रोडक्ट बन गए तो इनमें जो स्टेबल है उसको सेजेप बोल दो, ये स्टेबल है क्योंकि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ये लेस स्टेबल है, तो ये वाला हाफमान है और ये सेजेप है। हमें ये पूछा है कौन हाफमान देगा, तो फर्स्ट में हाफमान बनेंगे, ठीक है, ऐसे सेकंड को लेकर जाता हूं, बल्कि बेस है तो लेस हिंडर्ड प्रोटेक्ट करेगा, तो बल्कि बेस क्या करता है, लेस हिंडर्ड एच बीटा एच, बीटा एच, तो इसके रेस्पेक्ट में अल्फा बीटा बीटा, लेस हिंडर्ड ये वाली है, ये एच, ये यहां से आता, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये वाला, ये भी हाँ दूसरा उधर वाला ये बनेगा, सही तो बट मेजर ये वाला है और ये वाला माइनर है, तो ये स्टेबल है, ये सेजेप और ये हाफमान है। सेजेप और हाफमान का मेजर माइनर से कोई लिंक नहीं होता है। फ्लोरीन E1CB वो भी वही हो गया, इसकी वो भी एसिडिक, मोस्ट एसिडिक बीटा हाइड्रोजन रिमूव, मोस्ट एसिडिक, तो ये वाला अल्फा बीटा बीटा, वो 2 डिग्री ये 1 डिग्री, ये वाला जाएगा, ये भी दे देगा,
तो ये भी हाफ मान दे रहा है, लेस स्टेबल क्योंकि उधर से बनेगा तो मोर स्टेबल। इसमें ये वाली है HEMI, इसमें भी उसी तरह से कर सकते हैं। जैसे एनऑक्साइड वाला केस है ना, डिट्टो वही है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अल्फा बीटा और ये बीटा, तो यहाँ से मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ये वाली है बेटा, क्योंकि ये बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये यहां से यहां और ये क्या हो जाएगा बाहर, तो यहां बना ये वाला पी एच, ये आ गया से ये वाला डबल बॉन्ड और ये एम, एक तो ये बन रहा है मेजर, तो ये बन रहा है, और दूसरा इधर से बीटा जाएगा तो पी एच सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू ये माइनर, तो इसमें मेजर ये बना, तो ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइजर है, और मैंने बोला मोर स्टेबल एल्किन स्टेबल सेजेप होती है, तो ये सेजेप है और ये हाफ माइनर, तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट बना है, इसमें सेजेप बना है, बाकी शुरू वाले तीनों में कौन सा बना है, हाफ माइनर बना है। क्लियर, मतलब कंक्लूड करें तो कंसेप्चुअल से मेजर माइनर बना ले, फिर देख ले कि किसको हाफ माइनर बोलूं किसको सेजेप बोलूं। नेक्स्ट जी सर करो, इसमें देखो आप जैसे इसमें पूछा है कि रिएक्टेंट कौन से, कितने रिएक्टेंट ऐसे हैं जो HBr से रिएक्ट करके ये बनाएंगे, ठीक है। तो देखो एक आप यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख ही रहे हो कि दो बार रिएक्शन कराया हुआ है, तो एक बार देखो यहाँ मेजर प्रोडक्ट इसका तो कार्प, आप जानते हो कि H+ का पहले अटैक होता है एल्कीन पर और क्या बनता है कार्बोकेटायन बनता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि यहाँ पे कार्बोकेटायन आएगा, इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, तो ये तो सब में सेम हो गया, ये तो सब में सेम हो गया। अब हमें इस बॉन्ड का देखना है ना, ये सेम हो गया तो सब में यहाँ बीआर बीआर आ जाएगा, अब इसमें देखना है, तो इसमें अगर मैं इधर से इधर करूँ तो ये वाला उधर वाली पार्ट को मैंने सेम रख दिया, इधर आपके पास बनता है ये वाला कार्बोकेटायन बन गया, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, ये इसमें भी अगर करवाओगे तो सेम वही है, ये यहाँ से आ गया, फिर वन टू मिथाइल शिफ्ट हो गया, तो सेकंड थर्ड फोर्थ में अगर HBr का एडिशन करवाओगे वाया कार्बोकेटाइन रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी, तो पॉसिबल करवाओ, इसमें फर्स्ट में नहीं आएगा, आप करवा के देख लेना, आंसर जाएगा 2, 3, 4, और वैसे भी हम इस पे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये सेम उसी तरह से अभी जो E1CB बताया गया था सेम, एक बार चाहे तो आप एक बार और देखिए E1CB, हां क्यों E1CB क्यों 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 OMe, मैंने बोला था OR है, फ्लोरीन है, दीज आर बेड लिंग ग्रुप, तो ये बेड लिंग ग्रुप है, और इस पे अल्फा और ये बीटा, बीटा पे ये नेगेटिव चार्ज इस NO2 से क्या है स्टेबल हो गया, और इधर भी बीटा हो सकता है, ठीक है, बट ये नेगेटिव चार्ज से स्टेबल इधर होना चाहिए, तो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी बता कि अभिक्रिया में संभव यौगिक वो उत्पाद प्राप्त क्या होगा, तो पहले H जाएगा नेगेटिव बना दो, तो पहले नेगेटिव बन गया तो ये पी एच और ये ओ एम ई और उसके बाद एनओ टू और ये नेगेटिव, अब नेगेटिव डी टू से क्या उठा लेगा, डी उठा लेगा, तो डी प्लस ये हो गया एक, तो डी आ जाएगा तो ये बन जाएगा, बना देते हैं ओ एम ई, ये पी एच और ये डी और ये एनओ टू, फिर वापस से बेस आएगा तो इस डी को हटाएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है ना यहाँ पे ओ एम ई, ये पी एच, ये नेगेटिव और ये एन डबल बॉन्ड ओ और ये ओ नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो ये बन जाएगा, तो ये भी बन जाएगा, तो इंटरमीडिएट हमें ये पूछा है पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड एंड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन आर, सही बात, E1CB जो कांसेप्ट मैंने पीछे बताया उसी से लगा है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, ये भी बहुत शानदार, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन व्हिच करेक्ट मेजर प्रोडक्ट, सबको पता है, सबको पता है कि मैग्नीशियम ईथर एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है, अब Br ज्यादा रिएक्टिव है या Cl ज्यादा रिएक्टिव है, Br ज्यादा रिएक्टिव है, बेटर लिविंग ग्रुप, बेटर लिविंग ग्रुप, तो यहां पे पहले ये बनेगा ये N और ये H,
बाकी ये आपका लगा हुआ है ये वाला सीएल, ये सीएल और ये एमजीबीआर। अब ये जो एमजीबीआर है यहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये किसकी तरफ यू करेगा, एक्ट एज ए बेस, और ये क्या है एसिड, एसिडिक हाइड्रोजन, तो इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस हो जाएगी, इंट्रा मोलिकुलर एसिड बेस, और ये एच यहां चला जाएगा, तो जैसे ही एच यहां जाएगा तो ये बन जाएगा, एन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और यहां पे एच आ गया, और इधर आपके पास देखो क्या लगा हुआ है सीएल, सीएल कितने कार्बन पे लगा हुआ है ये देख लो, 1, 2, 3 नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है सीएल लगा हुआ है, तो ये 1, 2, 3 और ये सीएल। अब क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन गया इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक, और ये इस पे अटैक करके सीएल को क्या कर देगा बाहर, तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और इसी को लिखा हुआ है ऐसे करके, तो फर्स्ट रिएक्शन सही है, फर्स्ट ग्रिग्ना रिएजेंट एच गया इधर एमजीबीआर नेगेटिव पे आया, फिर ये घूम के इस पे अटैक किया सीएल को क्या कर दिया बाहर कर दिया, तो फर्स्ट प्रोडक्ट सही है, साफ कीजिए सर। सेकंड कर्टियस रिएक्शन है, कर्टियस एसिड दिया हुआ है तो एच प्लस पहले अटैक करेगा तो बन जाएगा सर पी एच सी ओ एच, ये पॉजिटिव और ये सी एच थ्री, फिर आपको दिया हुआ है NaN3 Na प्लस N3 माइनस, सोडियम एजाइड बोलते हैं बेटा, तो ये N3 माइनस अटैक करेगा और ये यहां से यहां, तो बन जाएगा पी एच सी ओ एच और ये सी एच थ्री, ये N नेगेटिव और ये N और ये पॉजिटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ये बड़ा। अब इसमें होता है रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट वैसा ही होता है माइग्रेशन टाइप, हाँ हाफ मैन ब्रोमाइड टाइप, हाफमान जिसको हम बोलते हैं वुल्फ प्रिस रीअरेंजमेंट, इसका नाम है हाफमान ब्रोमाइड में जैसा होता है वैसे। तो यहां क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इधर से इधर आएगा, थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये यहां से यहां आएगा, ये पीएच और सीएच थ्री में माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड पीएच का ज्यादा होता है, तो ये पीएच यहां से यहां आएगा और एन टू क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो आपके पास बाद में जो बनेगा ना सी ये ओ एच आ गया, इस पे इधर सी एस थ्री लगा रहा गया और उधर डबल बॉन्ड एन और ये क्या आ गया पीएच। अब इसके बाद ये टोटोमराइज हो जाएगा, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां सी एच थ्री सी ओ एन, टू डिग्री अमाइड, बताऊं क्या कंसेप्ट बताऊं उसका, जो ग्रुप माइग्रेट करता है उस साइड एनएच जाएगा, खत्म हुआ। पीएच और सीएच थ्री में माइग्रेट कौन करता है पीएच, तो इसके बीच में क्या लगा दो एनएच, एनएच आंसर, बस सही बात, सही रिएक्शन है, यहां नहीं हो सकता। एक बार एक्सप्लेन इसको, इसको देखो ये इलेक्ट्रॉन इस पर अगर अटैक करवाऊं इस पर यहां से करवाई एच प्लस इस पे जाएगा ऑक्सीजन पे क्योंकि लोन पेयर है यहां पे, ठीक है, तो पहले ये बना ओ एच पॉजिटिव और एन एच। अब क्या होगा, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो क्या बन जाएगा, यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड और ये ओ एच और ये पॉजिटिव और ये बी आर लग जाएगा, अब यहां पे बी आर लग जाएगा, तो बी आर लग जाएगा तो ये बन जाएगा डबल बॉन्ड एन एच, ये बी आर, ठीक, और ये और ये ओ एच। अब यहां से ये टोटोमराइज हो, ये एक मिनट सही लिख देते हैं इसको, डबल बॉन्ड एन एच ये बी आर। अब ये इनामीन इमीन टाइप का टोटोमराइज है, इमीन इनामीन टाइप का, तो ये एच यहां से यहां और ये यहां से यहां, सिस्टम में एरोमेटाइजेशन आ जाएगा और फाइनली प्रोडक्ट जो इस रिएक्शन का आएगा ना NH2, बस वहां होना चाहिए NH2 और ये Br, ये बाकी एजिट रह गए ये लो और ये OH, ये आंसर इसका होना चाहिए, इस आंसर अपने पास है नहीं, एक H मिसिंग हुआ है यहां से, अगर H2 होता तो सही होता, तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर में इसको गलत मान लेता हूं, हेलो फॉर्म हो गया ये। नेक्स्ट बेटा फोर्थ हेलोफॉर्म रिएक्शन है,
हेलो बोन कब होती है, ये वाला स्केलेटन हो सी ओ सी एच थ्री सी ओ सी एच एक्स टू अक्स सी ओ सी एच अक्स थ्री, ऐसा आपके पास अगर है स्केलेटन तो हो जाएगा अक्स टू। तो ये क्या होता है, इसका तो बनता है हेलोकोम, ठीक है, इसका जो भी हेलोकोम है और बाकी इसका आपको बनाना होता है सॉल्ट। तो इसमें ये स्केलेटन है तो इसका तो बन जाएगा हेलोकोम सी एच आई थ्री, बाकी ये कैल्शियम के साथ डबल सोल्ट बनेगा सर, तो ये बन जाएगा सी एच थ्री सी ओ सी एच थ्री पी एच सी एच थ्री पी एच पी एच नहीं लिख पाऊंगा सी ओ ओ ये कैल्शियम ये ओ ये सी ओ ये सी एच थ्री। अब हीट कर दीजिए, अब आपको हीट दिया हुआ है तो हीट दोगे ना तो हीट क्या करता है CaCO3 को क्या कर देता है, बाहर कर देता है, कार्बोनिल बनाने का मेथड है। तो फाइनली जो प्रोडक्ट आया वो आया CH3CO, ठीक है, ठीक है, सी एच ये दिया हुआ है, ये भी सही, तो ये भी सही है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फोर्थ सही हो गया ना। हाँ, तो इसमें कई कंसेप्ट लगाए हमने, आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कंसेप्ट लगाए। नेक्स्ट ये आपको चेंज करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन इज द रिएजेंट फॉर द गिवन। सर इसमें क्या किया है, इसने एक कार्बन से एक दो तीन चार कार्बन लगाया, मतलब कार्बन बढ़ाने हैं, और कार्बन बढ़ाना है तो आपको ऐसा रिएजेंट जोड़ना है जो कार्बन बढ़ाता हो, जैसे एल्डोल से डबल हो जाते हैं कार्बन, साइनाइड जोड़ते हो तो एक कार्बन बढ़ जाता है, CO2 जोड़ते हो तो कार्बन बढ़ जाता है, तो ऐसा रिएजेंट लेके आना है जो कार्बन बढ़ा रहा हो। तो पहले हमें एक-एक सब में पहले तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करवाया सब में, कॉमन है चाहे Br जोड़ो चाहे Cl जोड़ो, क्या फर्क पड़ने वाला है, तो मैं जोड़ देता हूं। मान लो पहले मैंने Br से जोड़ा CH3Br, ठीक है, ये कब हुई जब इसकी रिएक्शन करवाया तब ये वाला बन गया। अब इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई है CH3CH2MgCl, ये नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये अटैक प्रोपेन बन गया, ठीक है, प्रोपेन बना दिया। हाँ, तो ये रिएक्शन हुई SN2, तो यहां बन गया प्रोपेन, कार्बन तो बढ़ गए, अब ये कार्बन और लेके आना है, तो यहां पे इसको चेक करें Br2Hμ1 इक्विवेलेंट वापस से CH3CHBr और ये CH3। अब उसके बाद मैग्नीशियम ड्राई ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बिल्कुल, तो वापस से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो CH3CHMg और ये Br, उसके बाद CO2, ये नेगेटिव चार्ज, ये अटैक और ये निकल जाएगा यहां से, और फिर H3O से क्या सप्लाई यहां से तो आ जाएगा H+, तो इससे बन जाएगा, और यहां अगर बनाओगे तो केवल एसिड बेस रिएक्शन की रह जाएगी, एल्केन ही बना देगा, वापस से प्रोपेन बन जाएगा, और आगे कोई पॉसिबिलिटी यानी CN से एक कार्बन बढ़ता है Br2H2, हां इसको भी चेक, इससे बन जाएगा 14 से भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा, थर्ड इससे तो बन ही रहा है, इससे नहीं बन रहा, इससे नहीं बन रहा, इससे भी बन जाएगा, सेकंड थर्ड आएगा, थर्ड में देखो यहां तक तो आ गए अपन, ये बन गया, फिर KCN, तो ये CN माइनस और ये Br बाहर, CH3CHCH3CN और CN के हाइड्रोलाइसिस से क्या बन जाता है, COH बन जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज हार्ड फिजिबल। ये ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, थोड़ा सा इस पे फोकस भी करें आप, देखें भी इस क्वेश्चन को, समझे भी, कलर चेंज कर लेते हैं। एथेनॉल दिया हुआ है हीट कीपर जेंस में, 3DB एल्कोहल है, कंडीशन दो होती है, सब्स्टिट्यूशन वर्सेज एलिमिनेशन, ये सब्स्टिट्यूशन करे या एलिमिनेशन करे, तो दोनों पॉसिबिलिटी दोनों होती है, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन तो करेगा SN1 से और एलिमिनेशन करेगा E1 से, क्योंकि पोलर प्रोटिक है, तो यहां पे और ये इनको क्यों प्योर कर रहा है, क्योंकि ये वीक ही बेस है और वीक न्यूक्लियोफाइल है, और वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक बेस वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर SN1 और E1, वीक बेस E1 को फेवर करता है, वीक न्यूक्लियोफाइल SN1 को फेवर करता है, आगे बात समझे, तो 3DB के साथ अगर ये एलिमिनेशन करे E1 से तो ये बना देगा E1 से, और अगर सब्स्टिट्यूशन करे Br गया कार्बोकेटायन फिर अटैक करे तो ये SN1 से,
तो प्रोडक्ट तो सही है, बट अगर इनमें बात करें कि मेजर कौन सा बनेगा, सही बात, ठीक है, मेजर की बात करें तो हीट की प्रेजेंस में एलिमिनेशन ज्यादा प्रीफर होती है, फर्स्ट वाला मेजर आएगा, बट हमें ऐसा नहीं पूछा, मैं तो पूछा फीजिबल, क्योंकि दोनों रिएक्शन हमेशा पैरेलल चलती है, सब्स्टिट्यूशन के साथ एलिमिनेशन भी चलती रहती है, वही वापस रिएजेंट दिया है सर, दोनों हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर करें तो ये SN2 भी दे सकता है, सॉरी SN2 नहीं, SN1 फिर ये वाला बन जाएगा और फिर यहां से H प्लस बाहर हो जाएगा, तो ये भी सही है, ये वाला सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, तो कार्बन ही कम हो गया, कार्बन कम कैसे, चार से तीन कार्बन, इसमें तीन कार्बन होते तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, और यहाँ भी ये तो नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ये वाली एल्कीन ही बनेगी, बनेगी तो ये वाली नहीं बनेगी क्योंकि दो sp2 आ गए, ये स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है बहुत ज्यादा, तो फोर्थ गलत है, बाकी सभी सही। अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी कंपाउंड ऑन एलिमिनेशन गिव रिजियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिजियो सिलेक्टिव का मतलब क्या है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन है भैया, पहले बता देता हूं, फुली एडवांस है, जेईई मेन में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, रिजियो आइसोमर, जैसे मैंने एक कंपाउंड लिया CH3CH और ये लिविंग ग्रुप CH2CH3 और मैं यहां एलिमिनेशन कराता हूं एच है, तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आती है, एक तो ये वाली और एक ये वाला, तो ये दोनों क्या है, रिजियो आइसोमर, रिजियो आइसोमर्स किसको बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर को ही हम क्या बोलते हैं, रिजियो आइसोमर बोलते हैं, दो पॉसिबिलिटी हमारे पास आई, अब कोई एक प्रोडक्ट मेजर बना है, ये स्टेबल है तो ये वाला मेजर है और ये वाला माइनर, यहां मान लो मैंने बीआर लिया, ठीक है, मेजर और माइनर, अगर कोई भी रिएक्शन में मोर देन वन स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हो, ठीक है, और वो दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर हो तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शन, और हमें उसको क्या करना है, किसी एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना है कि मेजर कौन सा है, मेजर का परसेंटेज ज्यादा होना चाहिए, मतलब तो यहां पे एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि जितना ज्यादा प्रोडक्ट एक डायरेक्शन में जाएगा वो उतनी ही ज्यादा रिजियो सेलेक्टिव हो जाएगी, तो जैसे मान लो यहां 40% बना, ये 60% बना, बट अगर मैं ये ले लेता हूं PHCH और ये BRCH, सॉरी ठीक है कोई दिक्कत नहीं, PHCH2CHBRCH3, तो PHCH डबल बोन CH3, PHCH2 डबल बोन CH2, तो ये भी रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन है, बट अब यहां देखो ये ज्यादा स्टेबल एल्कीन बन रही है तो ये ज्यादा रिजियो सिलेक्टिव हो गई, यहां एक रिजियो का बनना, एक आइसोमर का बनना ज्यादा सिलेक्टिव हो गया, तो ये मान लो ये 90% गई तो ये कितनी गई, 10%, तो ज्यादा सिलेक्टिव कौन सी रिएक्शन है, नीचे वाली ज्यादा सिलेक्टिव है, रिएक्शन का प्रोडक्ट किसी एक डायरेक्शन में जाता हो, एक प्रोडक्ट का बनना जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही ज्यादा रिजियो सिलेक्टिव रिएक्शन होगी। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन, तो देखो मिटाओ, इसमें दो बन रही है, दो बंटवारा हो जाएगा, तो बंटवारा हो जाएगा, तो रिजियो सिलेक्टिव कम हुई, इसमें ओनली वन बनेगी, इसमें तो 100% रिजियो सिलेक्टिव, 100% रिजियो सिलेक्टिव, एक ही आइसोमर बना है, यहां भी एक ही बनेगा, तो ये भी 100% हो गई, इसमें तो बंटवारा है, इसमें भी दो है, एल बीटा और ये बीटा, तो ये भी नहीं हुई, इसमें भी यहां से बीटा जा सकता है, यहां से जा सकता है, तो ये भी नहीं हुई, इसमें एक ही है, तो ये हो गई, तो हमें ये पूछा है कि हाउ मेनी कंपाउंड ऑन एलिमिनेशन गिव रिजियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट, ओनली वन प्रोडक्ट कौन दे रहा है, एक ही प्रोडक्ट कौन दे रहा है, तो एक ही प्रोडक्ट ये दे रहा है, ये दे रहा है और ये दे रहा है, ये बाकी यहां पे प्रोडक्ट का बंटवारा हो जाएगा, अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे, तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट एक डायरेक्शन में जाएगा, एक प्रोडक्ट के बनने की पॉसिबिलिटी होगी, वो उतनी ही ज्यादा रिएक्शन रिजियो सेलेक्टिव होगी। नेक्स्ट जी सर, इसमें देखो जैसे पूछा है रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री और उनकी प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी दिया हुआ है, तो इसमें देख रहे हो कि या एक तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है और 3 डिग्री हाइड्रोजन, खैर आपको बनाकर भी दे दिया है, पूछा है परसेंटेज ऑफ ए, मतलब ये 3 डिग्री प्रोडक्ट की बात कर रहा है,
तो परसेंटेज ऑफ ए कैसे निकालेंगे? निकालने का तरीका यही होता है कि रिएक्टेंट में उसका प्रोबेबिलिटी फैक्टर 3 डिग्री पे पूछा है, 3 डिग्री का प्रोबेबिलिटी फैक्टर कितना है दोस्तों? 1600 मल्टीप्लाई बाय दैट डिग्री, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ऐसे निकाल सकते हैं ना, फॉर्मूला बता देते हैं, परसेंटेज परसेंटेज निकालने हैं प्रोडक्ट के, परसेंटेज ऑफ यील्ड, अगर ये निकालना है हमें, ये निकालना है तो रिएक्टिविटी फैक्टर चाहे तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इनटू नंबर ऑफ दैट डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल यील्ड, टोटल यील्ड टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज में अगर पूछा है। एक मिनट ऐसे ऐसे देख लेते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं अपन। तो रिएक्टिविटी परसेंटेज यील्ड की अगर बात करें तो रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इनटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बट वो उसका कितना परसेंटेज है ये भी चेक करना पड़ेगा हमें। तो यहां टोटल बात करें तो 3 डिग्री हाइड्रोजन यहां कितनी है? एक। और इसकी रिएक्टिविटी कितनी है? 1600। तो इसकी 1600 इनटू 1 मतलब कितनी आ गई? ये 1600 आ गया इसका, ठीक है। उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन कितनी है इसमें? 9। इसकी रिएक्टिविटी फैक्टर कितना है? 1। तो 9 इनटू 1 मतलब 9। तो टोटल यील्ड कितना आ गया? 1609। बिल्कुल, ये टोटल यील्ड है। अब इसमें परसेंटेज निकालना है 3 डिग्री का, तो 3 डिग्री का परसेंटेज निकालेंगे, तो 3 डिग्री का परसेंटेज निकालें तो 16 आउट ऑफ 1609 इनटू 100। 1 डिग्री का निकालना है तो 1 डिग्री का निकाल लेंगे 9 आउट ऑफ 1609 इनटू 100, बस आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। सिंपल न्यूमेरिकल है यार, क्योंकि इस कंसेप्ट का क्वेश्चन हमने दिया नहीं था हाइड्रोकार्बन, तो क्वेश्चन देना हमें जरूरी था और पूछा है कि आपको नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू में आपको देना है, तो आप सॉल्व कर लोगे, आपको यहां पूछा था 99 के आसपास आएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो बड़ा क्लोज है, तो 100 के बिल्कुल पास पास ही आना चाहिए ना। 99 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एल्कीन ऑब्टेन ऑन डीहाइड्रोहैलोजनेशन प्लस 2 क्लोरोब्यूटेन प्लस माइनस विद एल्कोहल, सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। CH3CH2 और ये CHCl और ये CH3, ये बोला है इसका, इसका प्लस फॉर्म भी है और माइनस, उसका माइनस फॉर्म डी फॉर्म भी है और एल फॉर्म भी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा, सही बात, क्योंकि एल्कीन जाएगी तो ये बीटा, ये बीटा तो उधर से जा सकता है, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3 ये बन सकता है, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2 ये बन सकता है। अब इसकी दो फॉर्म बन सकती है, सिस और ट्रांस, तो एक बार तो ये बन जाएगी, एक बार ये बन जाएगा और एक बार ये बन जाएगा, तीन आ जाएगा, तीन प्रोडक्ट आपके पास आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, अब बोले दिया है इसको फिक्स कर रखा है, इसको फिक्स कर है, वो फिक्स कॉन्फ़िगरेशन, फिक्स कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले एलिमिनेशन करवा के देख लो यार, उससे सब्स्टिट्यूशन करवा के देख लो, तो सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो ये फिक्स ही है, ये CH3 और यहां अप डाउन दोनों आ सकता है, OCH3 ऐसे भी आ सकता है, और यहां ये CH3 और OCH3 ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि SN1 होगी या SN2 होगी, कोई सी भी रिएक्शन हो दोनों को ऐसे आप देख सकते हो, पुअर न्यूक्लियोफाइल है, एक बार आप देख सकते हो, तो SN1 को क्या करेगा, SN1 को फेवर करेगा, प्रीफर कर सकते हो, हां ठीक है। दूसरा एलिमिनेशन करें तो एलिमिनेशन में एक बार इधर वाला बीटा जा सकता है, दो बीटा ये H और ये H, तो इधर से जा सकता है और एक बार इधर से जा सकता है, तो टोटल प्रोडक्ट कितने आ गए? चार। टोटल नंबर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग आइसोमर, तो NaI एसीटोन अगर मोनोहैलाइड है तो ये फिंकलेस्टाइन रिएक्शन देगा, मोनोहैलाइड है तो फिंकलेस्टाइन रिएक्शन देगा, मतलब सब्स्टिट्यूशन वाया SN2, बट यहां हमारे पास विसिनल है, विसिनल के साथ एलिमिनेशन लेता है ना सर, विसिनल के साथ ये रिएजेंट डी हैलोजिनेशन, मतलब H2 को क्या करता है बाहर, ये Br2 दोनों क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे, बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब आपको दिया NBS1 इक्विवेलेंट, जैसा मैंने शुरू के क्वेश्चन में बताया था कि NBS फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से एलाइलिक और बेंजाइलिक पोर्शन पे ब्रोमिनेशन करता है, ये एलाइलिक पोर्शन है, तो इस पे दो रेडिकल पॉसिबल है, एक ये CH2 रेडिकल और ये, अब ये रेजोनेंस शो कर दे, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो एक पॉसिबिलिटी है ये वाला,
ये लो, तो बी आर यहां जुड़ सकता है और बी आर यहां जुड़ सकता है। ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में शो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, कोई एक्स्ट्रा स्टीरियो कोई नहीं आई है, तो केवल और केवल कितने प्रोडक्ट आएंगे? दो प्रोडक्ट। तो ये था स्टूडेंट गुरु नीति जेई का 6 नंबर लेक्चर, 5 हम ऑलरेडी दे चुके थे, 6 आज हो रहा है, अभी रिमेनिंग 5 और है। होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सीएलसी यूट्यूब के नाम से चैनल है। और आपसे थोड़ा सा ये भी रिक्वेस्ट रहेगा कि कमेंट करके हमें बताएं कि कहां आपको प्रॉब्लम आई है, उस जहां प्रॉब्लम आई है वो या तो कमेंट से हम दूर करेंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको। आप ये भी बता सकते हो कि हो सकता है कोई पॉइंट या कोई टॉपिक भी अगर छूट रहा है उस पॉइंट टॉपिक से, तो आप वो लिख सकते हो सर ये इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर। आप कमेंट में थोड़ा सा ये भी लिख सकते हो कि सर इसके क्वेश्चंस में हमें प्रॉब्लम आती है, तो हम उस टॉपिक के क्वेश्चंस ज्यादा डाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो को एक बार नहीं दो बार देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।